श्राद्धारम्भे गयान् ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरं स्वपितरीन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्। श्री गयायै नमः, श्री गदाधराय नमः, भूमिपत्नी सहिताय श्री महाविष्णवे नमः। अभी वर्तमान में महालय श्राद्ध चल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्वानों के, कुछ सज्जनों के हमारे पास बहुत से प्रश्न आए हैं, जिनका मैं क्रमशः समाधान करूंगा। जिसमें पंडित लक्ष्मीकांत कौशिक दिल्ली से हैं, आकाश तिवारी दुर्ग छत्तीसगढ़ से तथा रितेश जी नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप से हैं और विश्वक सेन देशमुख जी बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। और भी कई विद्वानों के प्रश्न हैं, कई सज्जनों के प्रश्न हैं जिनका भी नाम नहीं लिया जा रहा है, उन सबके समाधान होंगे, आप क्रमशः सुने। तो इसी संदर्भ में देखें कि श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों का निमंत्रण करना सर्वोत्तम है, कैसे ब्राह्मणों का श्राद्ध में निमंत्रण करना चाहिए, श्राद्धार्ह कौन है तथा किन ब्राह्मणों का श्राद्धों में निमंत्रण नहीं करना चाहिए, अर्थात कैसे कैसे ब्राह्मण श्राद्ध में निषिद्ध हैं। और तीसरा प्रश्न है कि श्राद्ध में हमने सुना है कि अपने भांजे आदि का निमंत्रण करते हैं, तो किस किस संबंधी का हम श्राद्ध में निमंत्रण कर सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप देखें। देखिए, भगवान मनु ने मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुस्मृति के आधार पर तीसरे अध्याय के 128वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं, श्रोत्रियायैव देयानि हव्य कव्यानि दात्रिभिः अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तम महाफलम्। कह रहे हैं श्रोत्रियाय एव देयानि हव्य कव्यानि, दात्र भी माने दाताओं के द्वारा जो हव्य देना चाहते हैं, हव्य माने होता है देवताओं को दिया जाने वाला पदार्थ, हविष्यान्न उसको हव्य पदार्थ कहते हैं, और पितरों के लिए जो अन्न आदि दिया जाता है, जो निवेदन किया जाता है, उसे कव्य कहते हैं। तो दाताओं के द्वारा हव्य कव्य सदा श्रोत्रियाय एव देयानि, श्रोत्रिय के लिए ही देना चाहिए। तो श्रोत्रिय क्या होता है, तो कहते हैं स्वशाखाध्यायी श्रोत्रिय, कम से कम अपनी वेद की शाखा का सांगोपांग अध्ययन कर लिया है जिसने, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। अर्थात ये समझिए वेद पाठी ब्राह्मण, वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण को ही हव्य और कव्य का ग्रहण करने का अधिकार है। अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तम महाफलम्, जो सभी तरीके से योग्य हैं, पूज्यतम हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दिया गया हव्य कव्य महाफल को देने वाला होता है। कहते हैं कि एकैकमपि विद्वांसं दैवे पित्रे च भोजयेत् पुष्कलम फलमाप्नोति न मंत्र ज्ञान बहून अपि बहून अपि। आगे तृतीय अध्याय के 129वें श्लोक में लिखा हुआ है, एक एकम अपि विद्वांसम दैवे पित्रे च भोजये, ज्यादा नहीं मिले तो कम से कम विद्वान एक ब्राह्मण भी मिल जाए तो एक देवता के निमित्त अथवा पितरों के निमित्त भी एक ब्राह्मण का भोजन करा देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पुष्कलम फलम आपनोति न अमंत्र ज्ञान बहुन अपि, बहुत से मंत्रहीन वेद से हीन ब्राह्मणों को खवाने से, भोजन कराने से वो फल प्राप्त नहीं होता, जो फल वेदज्ञ एक ब्राह्मण के ही भोजन कराने में वो फल प्राप्त हो जाता है। यहां तक कहा हुआ है कि वैसे तो दैव कर्म और पितृकर्म दोनों में ही श्रेष्ठ ब्राह्मण की परम आवश्यकता होती है। यदि देव कर्म में उतने श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण न मिले तो चलेगा,
परंतु पितृकर्म में तो परीक्षा करके उनको किसी से दिखवा करके, हाँ ये इनको वेद का ज्ञान है, इनको जो है वैदिक कर्म करने की शक्ति है, उनमें निष्ठा है, उतना ज्ञान है आदि गुणों को देख करके ही, उनकी परीक्षा करके ही नियुक्त करना चाहिए। भगवान मनु 149वें श्लोक में कहते हैं, न ब्राह्मणम परीक्षेत दैवे, न ब्राह्मणम परीक्षेत दैवे कर्मण धर्मविद पित्रे कर्मण तो प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः। दैवे ब्राह्मणम न परीक्षेत, दैवे माने देव कर्मणि, देव कर्म में ब्राह्मण का परीक्षण भले ही न करे धर्मविद के द्वारा, लेकिन पित्रीय कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नता। पितृकर्म की प्राप्ति होने पर अर्थात श्राद्धादि का पितृकर्म करने में तो जिस ब्राह्मण को नियुक्त किया जा रहा है उसकी विधिवत परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा है। इसलिए उस ब्राह्मण की परम आवश्यकता है जो वेदज्ञ है। तो श्राद्ध में मुख्य किनका अधिकार हुआ, जो वेदज्ञ ब्राह्मण है, सर्वथा सद्गुण संपन्न है, सदाचार संपन्न है और गायत्री संध्या आदि से युक्त हैं, वे ही ब्राह्मण मुख्य रूप से श्राद्ध में अर हैं यानी ग्रहण करने योग्य हैं, उन्हीं का श्राद्ध में निमंत्रण करना चाहिए। अब कैसे ब्राह्मणों का निमंत्रण न करें वो देखिएगा। यावतो ग्रसते ग्रासान हव्य कव्येष्व मंत्रवित तावतो ग्रसते प्रेत्या दीप्त सूल रष्टिय यो गुणान। ये मनु महाराज ने तृतीय अध्याय में श्राद्धों से संबंधित विवरण किया है, वहीं से बोल रहे हैं। जितने श्राद्ध में ग्रासों को जो अश्रोत्रिय ब्राह्मण खाता है, माने जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, उन लोगों को भोजन कराने पर वो जितने ग्रास खाते हैं उतने ग्रास ग्रास पर उनके जो खिलाने वाला है उसको मरने के बाद वो जो है पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तापस्तो ग्रते प्रेत्य दीप्त सूल रष्ट्य यो गुणान। रिष्टि माने होता है कृपाण, और सूल ये जो पहने शूल त्रिशूल आदि होते बर्छी जिसको कहते हैं, इनको खाना पड़ता है उसको, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए श्राद्ध में सदा योग्य ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए। जो अयोग्य हैं उनको श्राद्ध में निमंत्रित न करें। न श्राद्ध भोजयेत मित्रम, कोई कहे कि चलो हमारे मित्र हैं हम उनको जो है निमंत्रित कर देते हैं और फिर वो हमारा निमंत्रण करेंगे, ऐसा जो व्यवहार करते हैं श्राद्ध में वो निंदनीय है। भगवान मनु कहते हैं, न श्राद्ध भोजयेत मित्रम धन ही कार्योस्य संग्रह नारिम न मित्रम यम विद्या तम श्राद्ध भोजयेत द्विजम। बोले किसी भी प्रकार से जो आपका शत्रु है, जो आपका मित्र है और जिसका आप संग्रह करना चाहते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध में भोजन नहीं करवाना चाहिए, वो श्राद्ध में आपके लिए योग्य नहीं है, श्राद्ध में उनका निमंत्रण नहीं करना चाहिए। और भी लिखते हैं, जटिलम चान धीयानम दुर्बलम कितवम तथा याजयंती चये पूवांस तांश्च श्राद्धे न भोजये। बहुत गिनाए गए हैं, आगे हम बताएंगे उनको, हिंदी में भी बतला देंगे। जटिलम बोले जटिलो ब्रह्मचारी, ये जो है कुल्लू भट्ट जी की मनवर्थ मुक्तावली नाम की टीका है, वो परम प्रमाणिक है श्री मनुस्मृति पर। तो वे कहते हैं जटिलम माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का भोजन श्राद्ध में वर्जित है। और मुंडोवा जटिलोवा से आत, वो जब मुंडी हो या जटिल हो। अनधियानम जिन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया है, वेदाध्ययन रहितम
अनधियानम यानी वेदाध्ययन रहितम और दुर्बलम जो जो है बहुत कमजोर हो, बीमार हो, कितवम माने जो ठग हो, ठगई करता हो, या जयंती चाहिए पुवान जो बहुत याजन कर रहे हो, आज यहाँ यज्ञ हो रहा है, आज यहाँ भागवत कर रहे हैं, एक बार फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, बहुत से लोग तो वो इसको बतलाने में गौरवान्वित होते हैं कि अब हमारा वहाँ प्रोग्राम है, फिर उसके बाद वहाँ है, कुछ है कुछ और अपने बना के कह देते हैं, पर वो जो ऐसा करते हैं उनका भी जो है श्राद्ध में अधिकार नहीं है, उनकी भी निंदा की गई है, उनको कहा गया है बहुयाजी, उनसे कोई भी यज्ञ न करवाए, ना वो श्राद्ध में निमंत्रण करने योग्य हैं, क्योंकि वो उन्होंने इस चीज को धंधा बना रखा है, इसलिए वो अधिकारी नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान मनु कह रहे हैं, और इस बात की व्याख्या ये जो है कुल्लू भट्ट जी कर रहे हैं। आपको नहीं हो तो आप देख सकते हैं श्री मनुस्मृति के 3rd अध्याय के 151वें श्लोक की टीका में, तांश्च श्राद्ध न भोजयेत, उनका श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए, ऐसे लोगों का श्राद्ध में अधिकार नहीं है। श्राद्ध में किन ब्राह्मणों का निमंत्रण नहीं करना चाहिए ऐसा धर्म सिंधु में संग्रह किया गया है, देखिएगा धर्म सिंधु के आधार पर। क्षय आदि महारोगों से युक्त ब्राह्मण, विकलांग, काणा, बहरा, गूंगा, दुश्मन, जुआरी, द्रव्य लेकर पढ़ाने वाला, जो वेदों को कुछ वेतन लेकर के पढ़ाते हैं, शुल्क लेकर के, वे भी श्राद्ध में अनर हैं। मित्रद्रोही, निंदक, कुत्सित नखों वाला, काले दांतों वाला, हिजड़ा, माता पिता गुरु को त्यागने वाला, चोर, नास्तिक, पाप कर्म करने वाला, स्नान संध्या कर्मों को त्यागने वाला, नक्षत्र विद्या से उपजीविका चलाने वाला, अर्थात नक्षत्र सूची, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष को जान करके और अपना बतलाते रहते हैं, ऐसे ज्योतिषियों का भी श्राद्ध में अधिकार नहीं है। वैद्य का कार्य करने वाले, राजा का नौकर, अर्थात किसी भी प्रकार की राज्य सेवा करने वाला, वेतन भोगी अर्थात सरकारी नौकरी करने वाला, या किसी भी व्यक्ति की नौकरी करने वाला, उसको भी श्राद्ध में अधिकार नहीं है। गायक, गा गा करके जो है अपनी जीविका चलाने वाले, और लेखक, ब्याज लेने वाला, सूदखोर, वेद बेचने वाला, अर्थात वेदों का वैदिक कार्य करते समय शुल्क को निर्धारण करके कार्य करने वाले, वेद बेचने वाले, कविता करके उपजीविका चलाने वाले, पुजारी, मंदिरों की वेतन लेकर के पूजा करने वाले, और कला प्रदर्शन करने वाले तथा समुद्र यात्रा करने वाले, जो विदेश में जा रहे हैं ये लोग, ये भी किसी भी शुभाशुभ कर्म में अधिकारी नहीं है, खास रूप से श्राद्ध में भी। शस्त्र बनाने वाला, पक्षियों को पालने वाला, परिवेत्ता यानी बड़े भाई के रहते छोटा भाई यदि विवाह कर लेता है तो उसको परिवेत्ता कहते हैं, उसका भी अधिकार नहीं रहता है। यदि बड़ा भाई योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से, या वो सन्यासी आदि हो जाता है, अथवा वो छोटे भाई को अपनी जो है अनुमति दे देता है, तब करने पर दोष नहीं है। ये बहनों में भी लगता है, छोटी बहन की पहले शादी हो जाए, बड़ी बहन रह जाए, ये भी दोष है। तो परिवेत्ता, शिल्प कर्म करने वाला, शूद्र से हवन कराने वाला, जटा वाला, दया से रहित रजस्वला स्त्री का पति, जिसकी पत्नी जो है ऋतुमती हो, तो उस व्यक्ति को भी कहीं जा करके श्राद्धादि भक्षण करने का अधिकार नहीं है। गर्भिणी का पति, जिसकी महिला जो है गर्भिणी है, गर्भवती है, और कुबड़ा, बौना, व्यापारी, जिसकी स्त्री मर गई हो, देखिए केवल सदगृहस्थ ही श्राद्ध का अधिकारी है, जिसकी स्त्री मर गई अर्थात विधुर, और शूद्र का गुरु अर्थात शूद्रों को शिक्षा देने वाला, और शूद्र का शिष्य, पाखंडी, और गायों को बेचने वाला, गायों की तस्करी करने वाला, और गोरस बेचने वाला,
काय के दूध आदि की विक्रय बिक्री करने वाला, वेद की निंदा करने वाला, कृपण पतित और मेढ़ा और भैंसा पालने वाला, वेद को भूल जाने वाला, वेद अध्ययन किया याद किया भूल गए, उनका भी किसी भी कर्म में अधिकार नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को देव कर्म में और पितृकर्म में सदा ही वर्जित करना चाहिए। ये जो है धर्म सिंधु कार ने संग्रह किया है विभिन्न ग्रंथों से लेकर के। धर्म सिंधु तो आप जानते ही होंगे, जो है वर्तमान में सबसे श्रेष्ठतम निबंध ग्रंथ है धर्मशास्त्र के संबंध में, इसलिए ऐसे लोगों को नहीं लेना। अब देखिए खास बात कि अब इनका प्रतिप्रसव देखिए, यदि ऐसे लोग, कैसे लोग, इसमें कुछ ऐसे लोग गिनाए गए थे जो हीनांग हैं, काणे बधिर आदि हैं, कुष्ठी हैं, परंतु वे लोग वेदों का अध्ययन कर चुके हैं और सदाचार का पालन करते हैं, तो क्या उन्हें ले सकते हैं? देखिए उनके ऊपर क्या शास्त्रों का मत है कि विद्याशीलादि गुण सत्वे, विद्या और शील माने सदाचार, अभिमान रहित, तो शील में बहुत चीज आ जाती है, मतलब सभी प्रकार के सदाचारों सदाचारों से संपन्न, तो विद्या शीलादि गुण सत्वे और कुष्ठित्व कानत्वादि शरीर दोषाणाम न दूषकत्वम। धर्म सिंधु में लिखते हैं कि यदि शारीरिक कोई दोष है, कुष्ठ हो गया, लंगड़ा हो गया, या कोई और कार्य हो गया, काणा आदि हो गया, तो कोई बात नहीं है, वो तो न दूषकत्वम, इसका कोई दोष नहीं है। यदि वो सदाचार सामान्य रूप से ऐसे लोगों को नहीं लेना है, और यदि वे विद्या और विनय यानी सदाचारशील से संपन्न है, तो ऐसे लोगों का देव कर्म में और पितृकर्म में ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। परंतु जिन्होंने अपना सदाचार बिगाड़ दिया, ध्यान रहिए इसमें और लोगों को नहीं लिया गया है, केवल शारीरिक दोष है, परंतु विद्या और चरित्र से जो संपन्न है उनकी बात है, और जिन्होंने अपना चरित्र ही बिगाड़ लिया, अब कोई विदेश यात्रा जा रहा है कर रहा है, भले ही वो जो खूब सदगुण संपन्न है सदाचारी है, परंतु ये दुराचार भी तो है उसके साथ, ये कोई शारीरिक विकृति नहीं है, ये तो आप आर्थिक लोभ के कारण जा रहे हैं। इसी प्रकार से और जगह भी समझ लेना, ये व्यवस्था है। तो अब भगवान मनु कहते हैं कि यदि जो है अपना सद्गुण संपन्न ऐसे ऐसे ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है, न मिले तो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न गायत्री संध्या से युक्त वेद और वेदी से युक्त ऐसे ब्राह्मण मिलना और फिर वे हमारे यहाँ श्राद्ध में आ जाएंगे, उनकी अनुमति मिलना बड़ा जो है कठिन कार्य है, क्योंकि श्राद्ध में भोजन करने के लिए ऐसे ब्राह्मणों के लिए भी मना किया गया है कि आप श्राद्ध में भोजन न करें, और सामान्य लोगों से कहा गया है कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए, मिल जाए तो कल्याण की बात है, तो तब क्या करें? तो मध्यम वर्ग के ब्राह्मणों को बताया गया है। देखिए मध्यम वर्ग के कौन से हैं? मध्यम वर्ग के वे हैं कि जिनका शास्त्रों में निषेध नहीं है और जिनका ग्रहण भी नहीं है, जिन्होंने वेद आदि नहीं पढ़े और सामान्य रूप से कोई जो निषेध के गुण बताए गए हैं वो अवगुण भी उनमें नहीं है, तो उन लोगों को समझिए कि ये श्राद्ध के लिए या देव कर्म आदि के लिए मध्यम वर्ग के ब्राह्मण हैं, तो उनको उनमें नियुक्त करना चाहिए, जब उत्तम कोटि के न मिलने पर उनको लेने में कोई दोष नहीं है। तथा यह तीसरा प्रश्न भी था और इसी संदर्भ में भी कि श्राद्ध में किन किन संबंधियों का निमंत्रण किया जा सकता है, तो श्राद्ध में क्षत्रिय और वैश्य लोग तो किसी भी संबंधी का निमंत्रण न करें, भानजे आदि का निमंत्रण न करें, क्योंकि श्राद्ध में मुख्य रूप से तो ब्राह्मण का ही होना अनिवार्य है और वो भी पुरुष। इसके ऊपर आगे बताएंगे
कि और चतुर्थ जाति वालों के लिए कैसे श्राद्ध करना चाहिए तथा श्राद्ध में कौन कौन किस किस का निमंत्रण कर सकता है। तो देखिए, श्राद्ध में क्षत्रिय और वैश्यों को, अपने संबंधियों को निमंत्रित नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण लोग अपने संबंधियों का, उत्तम कोटि के ब्राह्मण, श्रोत्रिय ब्राह्मण के न मिलने पर अपने माता महा आदि का निमंत्रण कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी क्षेत्र में कोई संबंधी का निमंत्रण करते हो, किसी क्षेत्र में किसी का निमंत्रण करते हो, वो एक अलग बात है, पर ये शास्त्रीय बात है, इसको ध्यान देना। लिखा हुआ है मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के 148वें श्लोक में, माता महम मातुलंच स्वश्रीयम श्वशुरम गुरुम दौहित्रम बिटपतिम बंधु मृत्यु की याज्ञेउ च भोजये। इन लोगों को भी श्राद्ध में निमंत्रित किया जा सकता है। तो ये कौन से लोग हैं? माता महम माने नाना का। आपके घर में श्राद्ध है तो आप अपने यहां अपने नाना को बुला सकते हैं। तो बहुत से जगह लोग ये कहते हैं कि भाई नाना हमारे यहाँ बेटी के यहाँ कैसे भोजन करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी शास्त्र वचन है कि स्वस्वता अप्रजा तावन नाशनीय तद गहे पिता। जब तक सुता पुत्री अप्रजा है, उसके कोई पुत्र आज नहीं हुआ है, तब तक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। और यदि पुत्री के कोई पुत्र हो जाए तो फिर कोई दोष नहीं है, फिर किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके लिए मरने के बाद भी पिंड जला दी देगा, तो फिर सामने खाने में क्या दोष है? फिर उसका जो है वहां अधिकार हो गया देवता का, दौहित्र का। तो दौहित्र होने जाने पर, पुत्री के पुत्र का मुख देखने पर, फिर उसके यहां भोजन करने में कोई भी शास्त्र से आपत्ति नहीं है, भोजन किया जा सकता है। तो माता मह का निमंत्रण करना चाहिए, भगवान मनु कह रहे हैं। और मातुलम मामा का निमंत्रण किया जा सकता है श्राद्ध में, और बाकायदा उनके पैर छुए जा सकते हैं और छुएना चाहिए। और स्वश्रियम यानी अपने बहन का पुत्र भांजा, और श्वशुरम अपने श्वशुर को भी निमंत्रण श्राद्ध में किया जा सकता है। श्वशुरम और गुरुम, श्वशुर भी तब आए जब उनके यहां कोई पुत्र हो जाता है, तो उनकी भी पुत्री के पुत्र हो गया तो वो भी आ सकते हैं। और गुरुम गुरु जी का, दौहित्रम यानी पुत्री के पुत्र का, और बिटपतिम कहते हैं बिटपतिम, बिटपति माने दामाद, दामाद का भी निमंत्रण किया जा सकता है। और कोई भी बंधु जो श्रेष्ठ है, अपने कुल का भी है, उसको भी। बंधु तीन प्रकार के होते हैं, फिर अलग व्याख्या हो जाएगी, आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु, सबकी साथ साथ संख्या होती है, तो इसके बारे में फिर आगे बतलाएंगे। इन सभी का भी निमंत्रण किया जा सकता है। और ऋत्विक जिनसे आपने कभी यज्ञ करवाया है, आपके यहाँ जो लोग यज्ञ करके गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों को अपने यहाँ देव कर्म में और पितृकर्म में सदा निमंत्रित कर देना चाहिए, ये श्राद्ध में भोजनीय है। व्याघ्रपाद स्मृति का एक वचन है, वो कह रहे हैं कि भाग्नेयो दश विप्रेण दौहित्रेण शतमुच्यते और भग्ने भरता सहस्रेशु अनंतम दुहितापति ही। बोले इन लोगों को श्राद्ध में बुलाने पर विशेष महत्व होता है, पर ध्यान रहे कि ये ब्राह्मण लोग ही बुला सकते हैं, क्योंकि अन्य लोगों के तो वो संबंधी अपनी क्षत्रिय या वैश्य जाति के होंगे, तो उनको श्राद्ध में नहीं बुलाना है। कह रहे हैं भाग्नेय यानी भांजा, ये दस ब्राह्मणों के समान माना जाता है। दौहित्र माने पुत्री का पुत्र शतम उच्यते, सौ ब्राह्मणों के समान होता है श्राद्ध में। और भगनी भर्ता अपनी बहन का जो है पति यानी जो है बहनोई, सहस्रेशु 1000 ब्राह्मणों के समान है। और अनंतम दुहिता पति, अपनी पुत्री का पति जो दामाद है उसको श्राद्ध में भोजन कराना यानी कि अनंत ब्राह्मणों के भोजन कराने के समान है। ये व्याघ्रपाद स्मृति का वचन है। इस तरीके से मुख्य रूप से प्रयोजन ये हुआ कि श्राद्ध में मुख्य रूप से
जो वैदिक ब्राह्मण है गुण सदगुण संपन्न है उनको ही बुलाना चाहिए, और यदि वे नहीं मिलते हैं तो फिर मध्यम कोटि के ब्राह्मणों को अपने संबंधी आदि को बुला लेना चाहिए, परंतु जो निषिद्ध हैं उनको कभी नहीं श्राद्ध में बुलाना चाहिए। हर हर महादेव।